नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ आपका। खूंटी जिला के रनिया प्रखंड अंतर्गत निश्चितपुर गांव से प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन पीएलएफआई का एक सक्रिय सदस्य को हथियार, गोली और पीएलएफआई पर्चा के साथ गिरफ्तार किया गया है। पुलिस को 14 मई को एक गुप्त सूचना मिली थी कि पीएलएफआई का सदस्य सरवन दास अपने साथियों के साथ गाँव निश्चितपुर में भ्रमणशील है और किसी अप्रिय घटना को अंजाम देने की योजना बना रहा है। उसके बाद पुलिस अधीक्षक खूंटी के निर्देश अनुसार अवर पुलिस अधीक्षक खूंटी द्वारा ओप्स प्लान के तहत अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी तोरपा के नेतृत्व में एक छापामारी दल का गठन किया गया। छापामारी दल के द्वारा दिनांक 15 मई को सुबह रनिया थाना क्षेत्र के निश्चितपुर गांव से पीएलएफआई का एक सक्रिय सदस्य हेमन बरला को गिरफ्तार किया गया। हेमन बरला मात्र 20 साल का है और निश्चितपुर सदान टोली का रहने वाला है। उसके पास से पुलिस द्वारा एक देसी कट्टा, 315 बोर का एक जिंदा कारतूस और दो पीएलएफआई का पर्चा, साथ ही मोबाइल फोन बरामद किया गया है। 5/2023 को एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि पीएलएफआई संगठन का एक सक्रिय सदस्य श्रवण दास अपने अन्य साथियों के साथ निश्चितपुर रनिया थाना अंतर्गत भ्रमणशील है और किसी अप्रिय घटना को अंजाम देने की योजना बना रहा है। उक्त सूचना पर कार्रवाई हेतु पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार अभियान एएसपी सर के द्वारा ऑपरेशन प्लान के तहत एक टीम का गठन किया गया। टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए ग्राम निश्चितपुर में छापामारी की गई और वहां से एक व्यक्ति हेमन बरला को गिरफ्तार किया गया और उसके साथ एक देसी कट्टा, एक जिंदा गोली, पीएलएफआई का दो पर्चा, एक मोबाइल फोन को बरामद किया गया।